स्वागत है आपका नेशनल दस्तक में। मैं हूं आपके साथ फरीन सैफी। 5 राज्यों के चुनाव नतीजे आ गए हैं और 4 राज्यों में बीजेपी की सरकार भी बन गई है, लेकिन आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की और साथ ही आपको बताएंगे बीजेपी की जीत के पीछे की वजह। जब सपा प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले तो भाजपा प्रत्याशी कैसे जीत गए। इस बार के विधानसभा चुनाव में जहां बीजेपी को बहुमत मिला है, लेकिन अब खबर सामने आ रही है कि भाजपा प्रत्याशी को कम वोट मिलने पर भी जीता दिया गया। ये खुद में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है और सवाल ये भी खड़ा होता है कि भाजपा वाले सच में जीते हैं या जिताए गए हैं। जब ये सारा मामला चुनाव आयोग की निगरानी में किया जा रहा था तो इतनी बड़ी गड़बड़ी कैसे हो गई कि सपा के विधायक को हरा कर बीजेपी प्रत्याशी को जिता दिया गया जबकि उनको कम वोट मिले थे। अब आपको ये पूरा मामला बताते हैं जो आपको हैरान कर देगा कि किस चतुराई के साथ ये पूरी गड़बड़ी की गई है और भाजपा को जिताने का ढोंग किया गया है। आप स्क्रीन पर ये अखबार का स्क्रीनशॉट देख पा रहे होंगे जिसमें भाजपा प्रत्याशी को 118,503 वोट मिले हैं जबकि सपा प्रत्याशी को 118,720 वोट मिले हैं। आप साफ साफ यहाँ पर अंतर देख सकते हैं कि सपा प्रत्याशी को भाजपा के प्रत्याशी से यानी सागेंद्र वर्मा से ज्यादा वोट मिले हैं, लेकिन चुनाव आयोग के द्वारा भाजपा को जिता दिया गया। सपा प्रत्याशी को भाजपा वालों से 217 वोट ज्यादा मिले हैं। ये एक दो नहीं बल्कि पूरे 217 वोट ज्यादा हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से पूरी धांधली की गई है। अगर एक वोट का भी अंतर होता है तो विजेता घोषित कर दिया जाता है, लेकिन यहां पर तो पूरे 217 वोटों का अंतर है लेकिन जब भी भाजपा वालों को जिता दिया गया। अब मैं आपको दूसरी तस्वीर दिखाना चाहती हूं जिसमें प्रत्याशी को मिले वोटों का प्रतिशत दिखाया गया है। यह बाराबंकी कुर्सी विधानसभा है जहां पर यह पूरी धांधली की गई है। आप इसमें साफ देख पा रहे होंगे कि किस तरह से भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया गया जबकि सपा प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले थे। चुनाव आयोग ने किस आधार पर ये गिनती करवाई थी? जब कुर्सी सीट पर सपा प्रत्याशी जीत गए थे तो फिर चुनाव आयोग से ऐसी कहां गलती हो गई कि चुनाव आयोग ये नहीं देख पाए कि किस प्रत्याशी को ज्यादा वोट मिले हैं और कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है। ये बहुत चौंकाने वाला मामला है कि जिस प्रत्याशी को मतलब सागेंद्र वर्मा को इस विधानसभा से MLA चुना जाना है जबकि असल विजेता है समाजवादी पार्टी के राकेश वर्मा, उन्हें हारा हुआ बता दिया गया। इस खबर के बाद बीजेपी के सब प्रत्याशियों पर सवाल उठ रहा है कि कहीं उन्हें भी इसी तरह तो नहीं जिताया गया। वो लोग सच में चुनाव जीते हैं या फिर इसी तरह से उनके भी जबरदस्ती जिताया गया है। अगर ऐसा है तो ये लोकतंत्र की हत्या है जहां पर हारे हुए प्रत्याशी को जिताया जा रहा है। फिर घूम फिर कर सवाल चुनाव आयोग पर ही उठता है कि ऐसी क्या मजबूरी थी कि चुनाव आयोग ठीक से गिनती भी नहीं करवा पाया और हारे हुए प्रत्याशी को विजेता घोषित कर दिया। लेकिन यहाँ पर किसी भाजपा की आवाज नहीं निकलती, लेकिन जब केशव प्रसाद मौर्य सिराथू में हार जाते हैं तो उनके समर्थक गुंडागर्दी करने लगते हैं, गोलियां तक चलाते हैं, लेकिन अब इस मामले पर किसी की आवाज नहीं निकल रही और सब भाजपा वाले खामोशी से चुपचाप बैठे हैं क्योंकि यहाँ तो उनके विधायक को जबरदस्ती जिताया गया है। उनकी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होगा, लेकिन चिंता की बात यह है कि अगर इस तरह की धांधली को रोका नहीं गया तो भाजपा की हार को भी जीत में बदल दिया जाएगा। और फिर इसी तरह से जिसे 2022 की विधानसभा में हुआ है, बीजेपी के बहुमत का डंका पीटा जाएगा, उसके ढोल बजाए जाएंगे और उसका ही दबदबा पूरे सिस्टम पर बना रहेगा। अब आपको एक और वीडियो दिखाते हैं जिसमें हमारी गोदी मीडिया के लोग योगी सरकार की जीत पर जश्न मना रहे हैं, नाच रहे हैं, ठहाके लगा रहे हैं। पहले आप ये वीडियो देखिए। देखा आपने किस तरह से लोग योगी सरकार के जीतने पर नाच रहे हैं, झूम रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। ये है भारत का निष्पक्ष मीडिया जो किसी पॉलिटिकल पार्टी के जीतने पर खुशियां मनाते हैं, गाते हैं, नाचते हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार के आने की इतनी खुशी है कि वो अपनी इमोशंस नहीं रोक पाए। वैसे ही कहना गलत नहीं होगा कि बीजेपी की जीत में सिर्फ भाजपा का हाथ नहीं है बल्कि लोगों का मानना है कि इसमें हमारी मीडिया और चुनाव आयोग ने भी बीजेपी का पूरा साथ दिया है। तो सिर्फ जीत की बजाय भारतीय जनता पार्टी को ही नहीं बल्कि इन दोनों को भी मिलनी चाहिए जिन्होंने पूरी मेहनत की है भाजपा को जिताने में। खैर, आपकी इस वीडियो में क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।